नहीं पता। जय शनिदेव, जय शनिदेव, सभी को जय शनिदेव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भाई कितना घाव था इनको, लेकिन अब कितना परिवर्तन आ गया है, पूरा स्किन छूट रहा है, पूर्ण रूप से ठीक होने वाला है। जुड़ा जुड़ा सा लग रहा था, ये जुड़ जाती है स्किन, और उसके बाद फिर नहा लो तो थोड़ी थोड़ा सा आराम हो जाता है, फिर थोड़ी देर में फिर वैसी हो जाती है। अभी बता, अभी क्या होगा? अभी तो आपका हाथ लग गया तो बहुत राहत है। तो आप देख सकते हैं पूरा स्किन अब छूटता जा रहा है। स्किन का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऊपर चेस्ट वाला पोर्शन देखो, अब धीरे धीरे ये नॉर्मल वे में आते जा रहा है। अभी और एक से दो बार आएगा, तीन बार आएगी, बस फिर कम होती चली जाएगी हर बार, ठीक है ना? हाँ जी, उन्हें आना है बस। तो दीपक भाई साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि देखा दीपक अपना सर? गुरु जी हाँ देखा, काढ़ा तो बहुत काढ़ा रहा, तो मम्मी ने भी काफी हल्का पड़ा सिर। सिर काफी हल्का पड़ गया? हाँ जी, देख सकते हैं दीपक भाई खुद बोल रहे हैं कि इनका सर में आराम पड़ा है। प्लस में आप खुद देख सकते हो, तीन दिन का वीडियो या चार दिन का, अप्रोक्सीमेट नहीं तीन दिन का होगा वीडियो, उसमें आप देखना कि इनके कैसे परिवर्तन है। ये देखो गले का एरिया लग रहा है, धीरे धीरे ये नॉर्मल होता जा रहा है। रूखापन इसलिए है कि धीरे धीरे इसमें नमी आएगी, पहले घाव ठीक हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो जय शनिदेव। तो आज शनि धाम में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिद्धियों का हवन थोड़ा सा लेट चालू हो रहा है। क्यों? क्योंकि दीपक भाई जी आज, उनको पता नहीं था लेकिन वो आ गए थे, तो भैया इनको पहले मतलब इनका तेल का लेपन करना उचित समझे, इसलिए सिद्धियों वाला हवन वाले सभी लोग बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप, सभी लोग प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि इससे बड़ा ईश्वरीय कार्य और कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए भैया ने सबसे पहले ये काम करना उचित समझा, इसलिए भैया ने इनकी सहायता के लिए सबसे पहले सिद्धि वाले हवन को थोड़ा सा विलम्ब से देरी करने के बारे में सोचा, और सबसे पहले इनका तेल का लेपन हो रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी से घिरे हुए हैं, इनके शरीर में बहुत सारा परेशानी आप देख ही सकते हैं कि शरीर का जब ये हाल हो जाए, ये तो बहुत अच्छा मतलब अब हो चुका है शरीर में, पहले दिन के अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि शरीर का जब ये स्थिति रहेगा, जर्जर स्थिति जब हो जाएगा, तो कितने दिन से आप रात में अच्छे से नहीं सो पाए हो, कितना समय से? बहुत दिन हो गए, नींद ही नहीं आती रात को। क्या होता है? खिंचाव लगता है शरीर में, जुड़ जाती है ना पूरी सारी। अच्छा, तो नींद ही नहीं आती उसमें, और खुजली भी होता होगा। खुजली, खिंचाव ज्यादा होता है, हल्का सा भी करवट लोगे दूसरी साइड पे तो खिंचाव एकदम आता है बहुत। तो अब पहले की अपेक्षा अब खुजली में कितना आराम है आपको? पूर्ण रूप से खुजली खत्म हो गई? खुजली नहीं होती, नहीं होती है ना? तो बोलिए जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो देख सकते हैं आप, इनको खुजली नहीं हो रही है, और धीरे धीरे इनके शरीर पे जो भी समस्या है ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी भैया के आशीर्वाद से, शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से, शावीर बाबा के आशीर्वाद से, शनि धाम के देवी देवताओं दूतों के आशीर्वाद से। तो यही है भैया के हवन की पत्ती, मंत्र जप की पत्ती, और साथ ही साथ ये अखंड ज्योत का तेल है जिसमें साक्षात शनिदेव महाराज और सभी धाम के देवी देवताएँ और दूत विराजमान हैं, जो सभी की समस्याओं में जो नकारात्मक रूपी समस्या भी होती है उसमें पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, और साथ ही साथ रोगों पर भी कार्य करते हैं जिससे उनकी नकारात्मकता तो खत्म होती है, साथ ही साथ शारीरिक रोग धीरे धीरे खत्म हो जाती है और पूर्ण रूप से अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। जय शनिदेव। अच्छा पहनी हुई, तूने पजामा पहना है। अच्छा है, वो बड़ा है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, सभी को जय शनिदेव, है ना?
उसके बाद धीरे 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 घाव भरने चालू होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से तुझे एक दिन से तो नहीं है ना, कितना लंबे समय से? 3.5 साल हो गए गुरु जी। 3.5 फैलना कब से शुरू हुआ था? सर धीरे धीरे पहले नॉर्मल दाने निकले थे, तो आस पड़ोस से दवाई ली अगल बगल से, फिर वो धीरे धीरे दाने बढ़ते चले गए, फिर वो दाने फूट के अपनी जगह ज़्यादा ज़्यादा लेने लगे, फिर उसमें से पंपी छूटने लगी धीरे धीरे। काफ़ी दिन में बनवा बना देता है या दिक्कत करता है? बना देता गुरु जी। ये तो नहीं कहता भाई मैं कैची वैची नहीं लगाऊंगा फिर यही कैची क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी सिर में तो मशीन ही चलवानी होती है सीधी, दाढ़ी में भी मशीन ही चलवानी होती है, सही होती है तो अच्छी डिजाइन से जैसे मर्जी रखो। वो लिख दिया थोड़ा सा।